कहिंदे लोड़ तो वध चीज़ हमेशा नुकसानदायक हुंदी है। आखे लोड़ तो वध कीता प्यार ते लोड़ तो वध कीता हंकार बंदे नूं हमेशा मरवा जांदा है। रावण दे तोड़े हंकार तो वड्डी मिसाल कोई नहीं है। आओ तुहानूं इस वीडियो दे जरिए उस रावण नूं मिला दिंदे आं जिसका हर साल हंकार तोड़िया जांदा है। गल करदे आं बठिंडा दी। बठिंडा दी दाणा मंडी दे विच दुशहरे दे मद्देनज़र रामलीला शुरू हो चुकी है। उत्थे ही रामलीला दे विच 55 साल दा राजकुमार पिछले 7 सालां तों रामलीला च रावण दा रोल निभा रहा है। राजकुमार ने दस्सिया कि मैनूं बहुत चंगा लगदा है रामलीला दे विच रावण दा रोल कर रहे हां। उन्हां कहा कि किस तरीके दे नाल अखीर दे विच हंकार टुटदा है। इह किरदार रावण दा किरदार है। रावण ने अपनी मुक्ति वास्ते रामचंद्र श्री रामचंद्र जी नाल बैर मोल लत्ता सीगा ते उन्होंने आपकी मुक्ति प्राप्त कर ली सी। किन्ने साल तुसीं रावण दा रोल कर रहे हो? मैनूं 7 साल तकरीबन रावण दा रोल करदे नूं हो गए ते बहुत ही सच्चे सुच्चे तरीके नाल असीं रामलीला करदे हाँ। सच्चे सुच्चे तरीके नाल ही असीं पाक और पवित्र रहिंदे हां जिंदगी दे। रावण दा रोल ही तुहानूं क्यों चंगा लग्गिया? तुसीं रावण दा रोल ही क्यों चुनिया? रावण दा रोल जिहड़ा मैं नहीं चुनिया, मेरी ड्यूटी लगाई गई है डायरेक्टर साहबाना ने। जो मेरी ड्यूटी लगाई है मैं तो आपकी ड्यूटी निभा रहे हैं। मैं आप दे आप कोई रोल नहीं चुना। कहने 7 साल तो रावण कर रहे हो कि 7 साल के भी रावण का रोल वधिया लगता है? रावण का किरदार बहुत वधिया किरदार है। ये कई उतरा चढ़ाव है, गुस्सा भी है, नरमी भी है, हलीमी भी है, तो ये भगती भी है। तो ये रावण का किरदार इस करके मैं ज़्यादा वधिया लगता। नौजवान पीढ़ी को यही संदेश है रामायण द्वारा कि जिवें श्री रामचंद्र जी ते भरत जी दोने भरा भरा आपस में एक भरा दूजे भरा का कितना सत्कार करता है, भी एक भरा दूजे भरा का जिहड़ा हक है वह नहीं रखना चाहता, उन्हूं हक देना चाहता है। भरत जी रामचंद्र जी नूं हक देना चाहते हैं, रामचंद्र जी भरत नूं सन्मान दे रहे हैं। इस करके जिवें हुण शरवण जी है, शरवण ने अपने माता पिता का किरदार निभाया, उहदे च नौजवान पीढ़ी नूं संदेश मिलता है कि अपने माता पिता की सेवा करो। जिहड़े बिरध आश्रम बन रहे हैं वो बिरध आश्रम इस करके बन रहे ने कि माता पिता की सेवा ना होने कारण ही बिरध आश्रम बन रहे ने। दूजे पासे रामलीला करवाउण वाले कमेटी के प्रधान ने दस्सिया कि बठिंडा की दाणा मंडी दे विच पिछले 29 सालों तो लगातार रामलीला हो रही है। पहली बार 1994 दे विच असीं रामलीला इस मंडी विच शुरू कीती सी। उस वक्त लोग घट आउंदे सी पर अज लोकां दी भीड़ देखण नूं मिलदी है। 29वीं रामलीला 6वीं नाइट सीता हरण की थी जो कि हमने हमने सीता हरण होकर रहा है। की दिखाया गया चलो वो तो दिखाया भी एक जो छली है भगवान ना छल किवें करता है भेष बदल के, ये दिखाया गया है। लोगों को ये तो शिक्षा मिलती है बई अच्छाई का बुराई से की किवें जित प्राप्त होती है। जो बुरा इंसान होंगे वो आपके बुरे कर्मों नाल ही मर जाता। ये दिखाया है, बिल्कुल दर्शाया गया है और तुम अगे अगे देखोगे यद अंजाम भी बहुत बुरा होगा। श्रद्धा बहुत है जी, साढ़े अनाज मंडी आए साल ही रश बेहिसाब हों, तो अनाज मंडी रामलीला रश के मायने मनी हुई रामलीला। रावण का रोल पिछले 8-9 साल तो श्री राजकुमार जी कर रहे हैं।
बिल्कुल बहुत वधिया करैक्टर ने, बहुत वधिया इंसान ने, बहुत वधिया करैक्टर प्ले करते हैं। लोगों को मैसेज दिंदे हैं भी भगवान भगवान के आदर्शों से चलो, भगवान के दर्शाए गए जो उन्होंने आपकी लीला के राही लोगों को चेत किया है भी आपके फादर मदर का जो भरा का सत्कार किवें होंगे। सो दस दिए कि इन्हां अदाकारां दा कहना है कि रामलीला कराउण दा साडा इक्को मकसद है कि लोग रामलीला तो सीखण, अते जिस तरह रामलीला दे विच भरा भरा दा प्यार, पति पत्नी दा प्यार ते भाबी दा प्यार, माता पिता दा प्यार विखाया जांदा, उसे तरह लोग भी इस प्यार नूं अपनाउण। हकीकत टीवी पंजाबी लई बठिंडा तो गोबिंद सैनी दी रिपोर्ट।